हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ दो कमाल के रिडल्स। तो चलिए फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ ये दोनों रिडल्स। और मुझे लगता है फ्रेंड्स कि आप इस दोनों रिडल्स का आंसर आसानी से दे पाओगे फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। तो आप आगे आपके स्क्रीन पर एक इमेज आएगी, जिस इमेज को आपको देख करके बताना है उस दोनों में से पहले कौन मरेगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर आ गई है। तो फ्रेंड्स इस इमेज को देख करके आप बताइए, जो इस दोनों में अगर लड़ाई हुई तो पहले कौन मरेगा। आपका समय शुरू होता है अब। तो फ्रेंड्स अब आपका समय ख़त्म हो गया है। तो चलिए मैं आपको आंसर बता दूं। अगर इस दोनों में लड़ाई होगा तो बारबेरियन थोड़ा पीछे हट जाएगा और आर्चर लकड़ी के साथ नीचे गिर जाएगी। तो फ्रेंड्स इसमें आर्चर पहले मर जाएगी और बारबेरियन बचा रह जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आप बात करते हैं दूसरे रिडल की। तो फ्रेंड्स दूसरा रिडल अब आपके स्क्रीन पर आने वाला है, तो उसके लिए तैयार हो जाइए फ्रेंड्स। एक कमरा है जिसके अंदर बारबेरियन कैद हो चुका है और उस कमरे से तीन गेट बाहर निकलता है। तो फ्रेंड्स बारबेरियन को कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकालना है, जिसमें कि तीनों गेट के अंदर कुछ न कुछ है जो बारबेरियन को बाहर निकलने में दिक्कतें ला सकती है फ्रेंड्स। तो पहले गेट के अंदर है इलेक्ट्रिक करंट, जिसके अंदर बारबेरियन घुसेगा तो इलेक्ट्रिक करंट पूरा अच्छा से लग जाएगा। और दूसरे गेट के अंदर दानव बैठा हुआ है, जो बारबेरियन घुसेगा उसके अंदर तो पूरा उसे चबा जाएगा। और तीसरे गेट के अंदर सन का यूवी रेडिएशन फैला हुआ है फ्रेंड्स, जिसमें अगर बारबेरियन गया तो वो जल के खाक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? आपको इसका आंसर बताने के लिए 10 सेकेंड का समय मिलता है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। फ्रेंड्स आपका समय अब ख़त्म होता है फ्रेंड्स। इसका जवाब है कि बारबेरियन तीसरे गेट से होकर के बाहर निकलेगा। तो फ्रेंड्स वो कैसे, तो जब दिन का समय होगा तभी यूवी रेडिएशन बाहर आएगा सन के द्वारा, और जब रात का समय हो जाएगा फ्रेंड्स तो सन का यूवी रेडिएशन बंद हो जाएगा और तीसरे गेट से होकर के बारबेरियन बाहर चला जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।